दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये ब्लाउज मैंने 38 साइज का ब्लाउज कट कर लिया है और इसका शोल्डर मैंने 15 इंच लिया है, डबल फोल्ड में 7.5 इंच लिया है और ये हाई नेक में रहेगा और नीचे इसमें डबल नेक आएगा। तो ये ब्लाउज है और ये इसका लाइनिंग है। तो हम सबसे पहले लाइनिंग पे कट कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्लाउज में रखें। तो देखिए इसमें डबल डिजाइन आएगी। तो हम पहले बोट नेक ले लेते हैं जो कि हमारा 4 इंच लेना है शोल्डर से, और जो इसकी गहराई ले रहे हैं वो हम 2.5 इंच ले रहे हैं और 1 इंच की इसमें गुलाई दे देते हैं। इसके बाद आप पूरा टोटल लेंथ ले लें, आप कितना ले रहे हैं। जैसे मैं इसको 11 इंच लूंगी। जो ये नेक है ये थोड़ा हमने जो लाइन खींची इससे बाहर आएगा क्योंकि ब्रॉड रखना है, और यहाँ पे आप 1 इंच छोड़ दें जो कि हमारा इस नेक की भी से फिनिशिंग के लिए और ऊपर के नेक की फिनिशिंग के लिए। तो हमने 1 इंच इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अभी हम सेम ड्रॉ पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने कट कर दिया, इसका जो ड्राफ्ट निकला है इस ड्राफ्ट रखे मैं कैनवास की कटिंग करूंगी, वो भी 1 इंच चौड़ा, और इसमें नेक पट्टी नहीं लगाएंगे, खाली कैनवास लगा के इसको पलट देंगे। जो ऊपर का नेक है उसके लिए हम क्रॉस कटिंग पट्टी करेंगे। जैसे ये पीस बचता है तो इस पीस को आप इस तरह से क्रॉस में रख के 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लें। अभी आपको सिलने का तरीका होता है। देखिए ब्लाउज मैंने सीधा रख लिया है और उसके ऊपर आप लाइनिंग रख लें, लाइनिंग सीधा उल्टा कैसे भी रख सकते हैं। तो एकदम बराबर से सेट कर लें लाइनिंग को, और देखिए जो कैनवास मैंने आपको बताया जैसे ड्राफ्ट रख के मैंने 1 इंच चौड़ा कैनवास कट कर लिया, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। या तो पहले आप इसको कच्चा टांका लगा सकते हैं या पिन से सेट करके इसको पूरा स्टिच कर लें जो हमारा नेक शेप है। ये स्टिच हो जाने के बाद हमारा जो सेंटर पार्ट है इसको हम कट कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसके चारों तरफ हम स्टिचिंग डाल देंगे और जो बोट नेक है इसकी हमने जैसे क्रॉस कटिंग पट्टी बताई है वो लगाएंगे। तो देखिए जैसे इसी का ड्राफ्ट निकला है तो इसी को हम क्रॉस में रख के पट्टी कट कर लेंगे 1 इंच चौड़ी। तो देखिए मैंने साइज के अनुसार पट्टी कट कर ली है और इन क्रॉस पट्टियों को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, यहाँ पर सिलाई डाल देंगे तो ये स्ट्रेट पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने बताया था ऐसे मैंने सेट करके इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इस नेक को कट कर देते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको कहीं से बीच से कट कर दें और जितना कैनवास है उतना ही कट कर लें। कट दे दें जिसे पलटने में आसानी रहे। देखिए अभी हम इसके अंदर से इसको निकाल देंगे। देखिए मैंने ये पलट दिया है और अभी हम क्या करेंगे, किनारे पे सिलाई डाल देंगे जिससे ये पीस हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिलाई डाल दी है, अब हम क्या करेंगे इसको पलट देते हैं और इसके चारों तरफ से सिलाई डाल देते हैं और जो ये बोट नेक है इसको कट कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई डाल दी सभी जगह, अभी हम प्लेट डाल देते हैं, उसके बाद जो नेक है इसको कट कर देंगे। तो हमको 4 इंच लंबी डालनी है। अब इसमें हम पट्टी में कट की है क्रॉस में, तो पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं और स्टिच कर लेते हैं। तो अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए नेक पर हमने सिलाई डाल दी है और नीचे प्लेट भी डाल दी है हमने। अब ये नीचे फिनिशिंग के लिए ये मैंने 1 इंच वाली पट्टी कट कर ली है और यहाँ पे पहले स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देंगे और फिर किनारे डाल के अंदर पलट देंगे।
देखिए मैंने फिनिशिंग दे दी है नीचे इस तरह से, और यहाँ पे तुरपाई करके ये सिलाई निकाल सकते हैं। और ये मैंने लेस ली है जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक का शेप है यहाँ से लेके पूरा इसकी शेप में स्टिच कर देंगे, और फिर हम इसमें नेक में लगाएंगे और एक लेस नीचे लगाएंगे। लगा दिए, अभी सेम नेक में लगा देते हैं। ये कमर में लेस लगा दी है और नेक में भी हमारे लग चुकी है, बोट नेक में भी लग गई है, और आप देखेंगे कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। और बेहतर लुक लाने के लिए एक मैंने लटकन लिया है जो कि हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे आप इसको हाथ से स्टिच कर सकते हैं, तो देखिए इसका लुक जब आप स्टिच कर देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।